नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उमरगांव जीआईडीसी की भारत रेजिंस कंपनी में आग लगने से तीन कंपनियां आग की चपेट में आ गई। भारत रेजिंस कंपनी में ड्रम फटते राजीव गारमेंट्स कंपनी चपेट में आते भगदड़ मच गई। वलसाड के अटगांव में एक ही रात में सात ताले टूटे। चोरी करने आए चोरों के हाथ कुछ नहीं लगा। पांच दुकान, एक राइस मिल, एक सौ मिल समेत सात जगहों पर चोरों ने धावा बोला, जो घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दमन कचिगांव में जलाराम बापा की 224वीं जन्म जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उमरगांव जीआईडीसी की भारत रेजिंस कंपनी में आग लगने से तीन कंपनियां आग की चपेट में आ गई। भारत रेजिंस कंपनी में ड्रम फटते राजीव गारमेंट्स कंपनी चपेट में आते ही भगदड़ मच गई। उमरगांव जीआईडीसी क्षेत्र की एक कंपनी में केमिकल रोड पर गिर जाने के कारण आग लग गई। तीन कंपनियां आग की चपेट में आ गई। जलती हुई कंपनी का केमिकल सड़क और नालियों में चले जाने से आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया और आग एक के बाद एक तीन कंपनियों में फैल गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। उमरगांव जीआईडीसी में भारत रेजिंस लिमिटेड और राजीव गारमेंट को आग से भारी नुकसान हुआ है। दो अन्य कंपनियां भी उस वक्त आग की चपेट में आ गई जब कंपनी में रखा केमिकल से भरा ड्रम फट गया और पड़ोस की कंपनी में गिर गया। चूंकि भारत रेजिंस लिमिटेड नामक कंपनी में एक रासायनिक उत्पाद का निर्माण किया जा रहा था, आग ने देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया। कंपनी के अंदर एक धधकता हुआ केमिकल से भरा ड्रम गेंद की तरह विस्फोट के साथ ऊपर उठा और पड़ोस की राजीव गारमेंट कंपनी को भी अपनी चपेट में ले पहुंचा। आग लगने की सूचना मिलने पर उमरगांव पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा और पास की कंपनी के कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। आग पर काबू पाने के लिए सरीगाम वापी समेत महाराष्ट्र के दहानू और स्थानीय दमकलों ने आकर 6 घंटे तक आग पर काबू पाया। वलसाड के अटगांव में एक ही रात में सात ताले टूटे होने की खबर है। चोरी करने आए चोरों के हाथ कुछ नहीं लगा। पांच दुकान, एक राइस मिल, एक सौ मिल समेत सात जगहों पर चोरों ने धावा बोला, जो समग्र घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ठंड का मौसम शुरू होते ही तस्कर सक्रिय बने हैं। वहीं वलसाड के अटगांव में एक ही रात में सात जगहों के ताले टूटे। वलसाड तालुका के अटगांव में एक चावल मिल के पास दो तस्कर घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए ताकि कोई देख ना सके, जबकि दूसरा चोर बाहर खड़ा होकर अपने कपड़े भरता नजर आया ताकि कोई आ न सके। कुछ मिनटों के बाद यह तस्कर भी राइस मिल में घुस गया। घर के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हो गए। इसके अलावा चोर एनआईआर के घर, दुकान और लकड़ी की बेंच समेत सात जगहों पर चोरी का असफल प्रयास किया गया। जैसे ही चावल मिल में चोरी के प्रयास का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने चोरी के प्रयास के संदेश छोड़ दिए। इस घटना को लेकर अटगांव में लोग सतर्क हो गए। पता चला कि इसकी सूचना पुलिस को देने का प्रयास किया गया। दमन कचिगांव में जलाराम बापा की 224वीं जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। संत शिरोमणि वीरपुर के श्री राम भक्त जलाराम बापा की 224वीं जन्म जयंती दमन कचिगांव के कासल बस्ती स्थित भीखी माता जी मंदिर में मनाई गई। सुबह बाबा की पूजा आरती की गई और महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गांव के मुखिया भावी श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित होकर दर्शन एवं महाप्रसाद का लाभ उठाते नजर आए। आज हमारा खरेखर जो तो वीरपुर आपासी पहुंचे अमरा दरक दमणवासीओ ने कच्छीगामवासीओ ने दमण आजूबाजू विस्तार जितला भी है ये जलाराम बापा दर्शन करवा नहीं आए। महाप्रसाद आनंद लै महाप्रसाद भी एवं रीते आप ऋषि मुनिओ जो खाता जो जमता जो भोजन ग्रहण करता एवं रीते घर नीचे नीचे बैठी बहुत व्यवस्थित खबर करें
એક આ લોકોનો પ્રેમભાવ દીપો, એકતા દીપો, અને એક જે જરણ બાપાના જે પોતે ભૂખ્યારીને જે જમાતા એ રીતે તમને ગમે ત્યારે આનંદ મળે. અને ખરેખર જે તમને આ લોકો અમારા કચ્છીગામ ખાતે કર્યા અને જરણ બાપા પ્રસન્ન એવું લાગે, તો મારા દરેક દમણવાસીઓ હું કહેવા માગું કે અહીંયા આવે, ભોજન ગ્રહણ કરે. બીજું કે આ લોકોની જે વ્યવસ્થા જોઈ, બીજું કે અમારા ગામમાં ઘણી જગાએ એક એક વાર બે બે વાર જલારામ જયંતિ ઉજવવામાં આવી, બધા દરેક મોહલ્લા દરેક ફરિયામાં અને પછી છૂટી જાય. તો મારા કચ્છીગામના દરેક ગામજનોને એક નમ્ર વિનંતી છે કે જે એક જલારામ જયંતિ જો થાય તો એ અમારા કાકલ ફરિયામાં થાય. માતાજીનું મંદિર બી છે, આજે માતાનું મંદિર બી છે, માતાજી બી હું પસંદ છે, સાક્ષાત વિરાજમાન છે. તો મારા દરેક ગામજનોને નમ્ર પાછી એક પરિવાર નમ્ર વિનંતી કે જે કચ્છીગામમાં જે જલારામ જયંતિ ઉજવવામાં આવે તો કાકલ ફરિયાને સાથ આપે, સહકાર આપે. અને એ લોકોનો તો સાફ સહકાર એકબીજાનો છે જ, તો ગામજનો દરેક મળીને એક જે જલારામ જયંતિ ઉજવવામાં આવે તો મારી એક નમ્ર પ્રાર્થના છે કે અહીં ઉજવવામાં આવે. જય જલારામ. बगवाड़ा टोलनाका पर टेम्पो में प्लास्टिक के कचरे के नीचे ₹8.73 लाख की कीमत के शराब के साथ एक व्यक्ति की धरपकड़ की गई है. प्लास्टिक के कचरे के 120 मार्क्स, शराब की पेटी क्रमांक 209 और टेम्पो सहित कुल 13.90 लाख का माल जब्त किया गया है. वहीं दो अपराधियों को वांछित घोषित किया गया. पारडी बगवाड़ा हाईवे के टोलनाका के पास वलसाड़ LCB टीम को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने टेम्पो की तलाशी ली, तो टेम्पे में प्लास्टिक के कचरे की आड़ में भारी मात्रा में शराब मिली. पुलिस को 120 बोरियां मिली, जिसके नीचे छिपी हुई पेटी संख्या 209 में 8.73 लाख रुपए की विभिन्न ब्रांडों की विदेशी शराब थी. टेम्पो चालक मियां मोहम्मद अब्दुल बत्तीवाला जो रहते हैं सूरत के रामपुरा में, उनको गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं प्लास्टिक कचरा, अल्कोहल और टेम्पो की गुणवत्ता सही नहीं पाए जाने पर 13.90 लाख रुपये का माल जब्त कर पारड़ी पुलिस को सौंप दिया गया. वहीं इतनी मात्रा में शराब भरकर सूरत भेजने वाले सोएब नाम के बुटलेगर और एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने वांटेड पाया है. पुलिस द्वारा आगे की जांच की गई है. सिलवासा वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पर 102 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया. सिलवासा में वनवासी कल्याण आश्रम ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पर 102 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया. कला केंद्र में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर सिद्धार्थ जैन की विशेष उपस्थिति में मनाया गया. इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती मनाई गई. वक्ताओं ने भगवान बिरसा मुंडा जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला. इसी क्रम में शासकीय विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में प्रथम व द्वितीय स्थान पर आने वाले 102 आदिवासी छात्र छात्राओं को SDPO सिद्धार्थ जैन के हाथों से प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया. वनवासी कल्याण आश्रम परिवार के वरिष्ठ कोषाध्यक्ष विनीत दुग्गल सहित संगठन परिवार ने मिलकर यह कार्यक्रम सफलता से आयोजित किया. वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा प्रतिवर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है. वनवासी कल्याण आश्रम ये संस्था जो है पिछले 35 साल के ऊपर राज्य में काम कर रही है, आरोग्य शिक्षा ये सब विभाग में काम कर रही है. तो ये बार पिछले साल में हमने बिरसा मुंडा जयंती जो जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर कार्यक्रम किया था, इस साल भी थोड़ा व्यापक स्वरूप में किया है. पिछले साल खाली सिलवासा सिटी में नहीं किया था, ये बार दादरा हवेली के सरकारी विद्यालयों में जनजाति ST कैटेगरी में जो 10वीं और 12वीं में फर्स्ट और सेकंड स्टूडेंट्स आए हैं जनजाति से, उनका हम सम्मान करके उनको प्रोत्साहित करने का ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे बच्चों को और प्रोत्साहन मिलेगा आगे पढ़ाई करने के लिए. इसमें कितने बच्चे भाग लिए हैं आज? ये करीबन इसमें 102 बच्चों को इसमें पुरस्कार मिला हुआ है. सर आपका नाम? विनीत दुग्गल. सिलवासा के रखौली जलाराम मंदिर में 224वीं जलाराम बापा की जन्म जयंती बेहद उल्लास के साथ मनाई गई. सिलवासा के रखौली जलाराम मंदिर में 224वीं जलाराम जयंती के अवसर पर सुबह भजन कीर्तन, आरती और महाप्रसाद का आयोजन किया गया. इसमें सैकड़ों लोगों ने महाप्रसाद का लाभ लिया. आयोजक आशिक ठक्कर, धर्मेश ठक्कर परिवार सहित आरती का लाभ लेने पहुंचे और 12 बजे की आरती में जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष निशा भंवर, सुनील भंवर के साथ ठक्कर परिवार आरती का लाभ लेने पहुंचा. हर साल जलाराम जयंती मंदिर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है और गायकों के भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिसमें भक्तों ने काफी बड़ी मात्रा में लुफ्त उठाया. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर.
उमरगांव जीआईडीसी की भारत रैजिंस कंपनी में आग लगने से 3 कंपनियां आग की चपेट में आ गई। भारत रैजिंस कंपनी में ड्रम फटते राजीव गारमेंट्स कंपनी चपेट में आते भगदड़ मच गई। वलसाड के अटगांव में एक ही रात में 7 ताले टूटे। चोरी करने आए चोरों के हाथ कुछ नहीं लगा। 5 दुकान, 1 राइस मिल, 1 सौ मिल समेत 7 जगहों पर चोरों ने धावा बोला, जो घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दमन कचिगांव में जलाराम बापा की 224वीं जन्म जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज़। नमस्कार।